मैं सतीश सर, आज क्लास टेंथ हिंदी कृतिका से लेसन वन माता का लक्षण, जिसके लेखक श्री पूजन सहाय जी हैं। तो इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम लोग लेखक परिचय देख लेते हैं। लेखक हैं श्री पूजन सहाय जी, और ये हिंदी साहित्य के हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास का कहानीकार, संपादक और पत्रकार श्री पूजन सहाय का जन्म ग्राम उनवास, क्या उनवास, और जिला भोजपुर बिहार। शुरू शुरू में इनके लिखे हुए प्रारंभिक लेख लक्ष्मी मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्होंने बालक मासिक पत्र का संपादन भी किया। स्वतंत्रता के बाद ये बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद के संचालक तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान नामक बताया गया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान त्रैमासिक पत्र के संपादक भी थे। और इनकी रचना इस प्रकार है, वे दिन के लोग, कहानी का प्लॉट, मेरा जीवन, मंडलित स्मृति शेष, हिंदी भाषा और साहित्य, ग्राम सुधार, देहाती दुनिया, विभूति और माता का अंचल, ये उनकी रचनाएं। अब हम देखते हैं पाठ परिचय। तो पाठ परिचय में इस प्रस्तुत उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। इस पाठ से यह स्पष्ट होता है कि माता पिता का वात्सल्य बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए कितना जरूरी है। बच्चे का पिता से अधिक लगाव था, फिर भी इसमें बताया गया विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर मां की शरण लेता है। हम लोग ऐसा देखते भी हैं कि मां पिता से कितना भी लगाव हो, जब ऐसी परिस्थिति आती है तो वह मां के पास वो दौड़ जाता है। इस पाठ में तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का सहज चित्रण किया गया है। हम लोग अब इसमें देखते हैं पाठ सार में। पहला बिंदु है, बचपन में लेखक का पिता से अधिक जुड़ाव। तो कैसे, उपन्यासकार के प्रमुख पात्र तारकेश्वर नाथ ने अपने माता पिता तथा अपने बचपन के साथियों के साथ जुड़ी भावनाओं को चित्रित किया है। तारकेश्वर नाथ के पिता उन्हें बताया जाता है कि तारकेश्वर नाथ के पिता उन्हें प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। तो घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके माता पिता प्यार से कुछ नाम देते हैं और उसी से उसको पुकारते हैं। तो उसके पिताजी से भोलानाथ नाम दिए।
और भोलानाथ के पिताजी सुबह उठकर जब उठते थे सुबह नहा धोकर पूजा के लिए बैठ जाते हैं। माता से केवल दूध पीने का ही नाता था, इसलिए पिताजी के साथ ही वे बैठक यानी पिताजी के साथ वे बैठते थे, सुनते थे, है ना। वे जहाँ जाते उनके साथ वे जाने के लिए तैयार हो जाता, और पिताजी जब उठकर यानी भोला को भी सुबह ही उठा देते, जब वह उठते थे जगते थे तो वह भोला को भी जगा देते थे, और उसे जब वह नहाते तो भोला को भी नहला देते, तो नहलाते नहा और वह स्वयं नहा धोकर वह पूजा पर बिठा देते और स्वयं भी बैठ जाते। भोला के जिद करने पर पिता उसके थोड़े माथे पर एक प्रकार का तिलक जो टीका जिसको कहते हैं लगा देते हैं, और सिर पर लंबी और उनके सिर पर बताया जाता है कि लंबी लंबी चटाएं थी किसका, तो भोलानाथ का। भोला बम भोला बन गए, इस पाठ में बताया गया है कि भोला बम भोला बन गए। पिताजी को बाबूजी कहते हैं, पिताजी को बाबूजी तथा माताजी को मैया कहकर पुकारते थे, कौन, भोलानाथ। और जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तो वह भोलानाथ उसके पास बैठकर बगल में बैठ जाता, और बताया जाता है कि आईने में अपना मुंह निहारा करते थे, देखा करते थे। जब बाबूजी उन्हें अपने बगल में बैठे देखते, बाबूजी उन्हें देखते तो उसका बताया जाता है कि वह भी उसे देखकर मुस्कुरा देते और वह भी उसे उसकी तरह उस आईना में देखते कि बालक क्या कर रहा है, ठीक है। दूसरे है पिताजी के साथ कुश्ती करना। तो जब छोटा बच्चा जुटता है घर में रहता है तो आप सभी देखते होंगे कि उनके माता पिता या उससे बड़े भाई उसे हंसाने के लिए, उसके मनोरंजन के लिए कुछ ऐसा खेल करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार इसमें बताया गया है कि पिताजी के साथ कुश्ती करना। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार वे पिताजी के साथ कुश्ती करते थे। कभी कभी बाबूजी भोलानाथ से कुश्ती भी करते थे, ठीक है। और क्या देख रहे थे, कभी कभी बाबूजी यानी भोलानाथ से वे कुश्ती करते थे। जानबूझकर वे शिथिल होकर कमजोर होकर वह भोलानाथ से आत्मविश्वास को बढ़ावा देते कि मैं हार गया तुम जीत गए, ठीक है। जब बाबूजी पीठ के बल पर लेट जाते तो भोला उसकी छाती पर चढ़कर उसकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगती, वे हंसते हुए उसके हाथों को चूम लेते। जब वे भोला से खट्टा मीठा चुम्मा मांगते, बच्चे को ऐसा बोला जाता है तो क्या बच्चा हंसने लगता है, तो उनके पिताजी भी ऐसे ही करते थे कि वे भोला नाथ से खट्टा मीठा वे चुम्मा मांगते, तब भोला बारी बारी से अपना बायां और दायां गाल उसके मुंह की ओर कर देते, ठीक है। उसके बाद इसमें बताया गया कि वो कहा करता कि बाएं का खट्टा और दाएं का मीठा जुम्मा लेने लगे, तब वे अपनी दाढ़ी या मूछ भोला के कोमल गालों पर भी गड़ा देते, क्यों,
ताकि उसे हंसी आए, उसे प्यार मिले, इस प्रकार उसका वे मनोरंजन करते थे। और झुलझुलाकर भोला उसकी जब दाढ़ी उसके गालों पर गड़ती तो वह गड़ने लगता, वे झुलझुलाकर भोला उसकी मूछें नोचने लगता। बाबूजी बनावटी रोना रोने लगते, झूठ का रोना रोने लगते। तब भोला खिलखिलाकर हंसने लगता। इस प्रकार उस बच्चे को वह खेल खेल में इस प्रकार के आगे रहते हैं। माता पिता द्वारा भोलानाथ को खाना खिलाना, माता पिता जो है उस बच्चे को अर्थात भोला को, भोलानाथ को वह खाना खिलाए। किस प्रकार जब भोला बाबूजी के साथ पर साथ घर जाते हैं, कहता है जब वे अपने पिताजी के साथ घर पर जाते और वे खाना खाते, बाबूजी अपने हाथों से खाना खिलाते, माताजी को ऐसा लगता कि भोला ने कम खाया। वे कहती थी कि जब बच्चा बड़े बड़े कौर खाएगा तब दुनिया में स्थान पाएगा। माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भरता है। माँ तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए उस बच्चे को खिलाती थी। आप सब भी देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चों को जब खिलाया जाता है वह नहीं खाता है तो वह इस प्रकार की बातें करती हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है इसमें, और उसमें क्या खिलाने क्रम में वो कहती है कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, है ना। तब भोला जल्दी से खा लेता था। खाना खा लेने के बाद भोला को खेलने के लिए भेज दिया जाता था। ठीक है, भोला उछल कूद कर लकड़ी का घोड़ा लेकर नंगधड़ंग बाहर गली में निकल जाता है। जैसे तैसे वह निकल जाता और उसकी माँ देखते ही रह जाती। अब इसमें देखते हैं कि माँ द्वारा भोला के सिर पर तेल लगा दिया। माँ उस भोला को सिर उसके सिर पर किस प्रकार वह तेल लगाती थी कि जब कभी भी माँ भोला को जबरदस्ती पकड़कर सिर पर सरसों का तेल डालती है। आज भी देखते हैं कि एक माँ अपने बच्चों को किस प्रकार वह तेल लगाते, जब वह तेल लगाना नहीं चाहता है तो उसे जबरदस्ती पकड़ करके लाया जाता है और उसके सिर पर तेल लगाया जाता है तो वह बच्चा क्या रोने लगता है। ऐसा करने पर बच्चा रोता ही है। तो बाबूजी माँ पर बिगड़ने लगते हैं, तुम ऐसा क्यों करती हो, है ना। पर वे सिर को तेल से सराबोर करके ही छोड़ती थी। माँ जानती है कि तेल लगाने से क्या फायदा है, बच्चे थोड़ा सा रो ही लेंगे तो क्या होगा। लेकिन पिताजी को, पिताजी से इतना लगाव था कि वह उसकी माँ को वह डांटने लगती, है ना। काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लड्डू बांधकर, देखते हैं उसमें एक गोल लड्डू के आकार का उसकी बच्चों को जो बाल बढ़ जाता है, बच्चों का बाल बढ़ता है तो उसको गूंथा जाता है। और रंगीन कुर्ता, टोपी और तरह तरह की पहनावे पहना देती। तब भोला कन्हैया बनकर अपने बाबूजी अर्थात अपने पिताजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर चले जाते। तब जो है बाहर जाकर बच्चों के झुंड में वह मिल जाता है, वो बच्चों के झुंड में मिल जाता है, वह बच्चों के झुंड में चला जाता है। भोला उन साथियों को देखते ही सिसकना भूल जाते हैं।
अपने साथियों को देखकर वह सिसकना भूल जाते हैं। बाबूजी की गोद से उतर कर उस दल में शामिल होकर तमाशे करने लगते। वे सब मिलकर तरह तरह के नाटक करते। आगे देखते हैं मंडली द्वारा बचपन में खेले गए तमाशे। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि बोला ना है ना कि एक चबूतरा था, चबूतरे का एक कोना नाटक घर बनाता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते वही रंगमंच बनाता। उसी पर सरकंडे के चश्मे पर कागज का छोटा शमियाना तानकर मिठाइयों की दुकान बनाई जाती। अब देखते हैं कि बच्चे जो खेलते हैं वह बालू को कुछ बना लेते हैं, पत्थर को कुछ मान लेते हैं, है ना। इस प्रकार दुकान लगाते थे। चिलम के खांचे पर कपड़े के थालों के ठेर ढेले को वह लड्डू मान लिया। पत्तों को पूरी, कचौड़ियां, गीली मिट्टी को जलेबियां तथा टूटे फूटे हुए घड़े के टुकड़े को वह बतासे आदि मिठाइयां सजाई जाती। बर्तनों को जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के वे पैसे मान लेते, उसको पैसा बना देते कि ये पैसा है। बच्चे ही दुकानदार बनते और खरीदार भी। तब थोड़ी देर बाद मिठाई की दुकान बंद कर घरौंदा बनाने लगते और मिट्टी की दीवार और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे दिया।